देश में चल रही है, जिस हिसाब से महंगाई एकदम आसमान छू रही है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि नौजवान लोग यमुना पुल से कूद के जान दे रहे हैं, कोई फांसी लगा रहा है, और जितनी देश की हमारी कंपनियां बंद हो गई हैं, धरती पर कोई रोजगार नहीं है, बैंक वालों को जिसे तोड़ करके चार बैंकर एक बैंक में कर दिए हैं, मास्टर लोगों का देखिए कोरोना में कितने लोग मरे हुए हैं, ये सब देखते हुए तो बीजेपी 2022 नहीं 2027 में भी इनका आना बहुत मुश्किल है। जो हिसाब से बीजेपी काम कर रही है धरती पर, हर चीज़ को सरकारी जो संपत्ति उसको बेच रही है, जिस तरह से देख रहे हैं, लोगों का सपना रहता है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनको आगे बढ़ाएं, सरकारी नौकरी मिले, तो बड़ा लोग शान से कहते हैं कि हमारा लड़का सरकारी नौकरी में कर्मचारी है, अधिकारी है। ठीक है, अब इनके आने से तो कोई रोजगार मिलना है नहीं है, नौकरी भी चली जा रही है, और लोग पढ़ाई लिखाई करके बेचारे एकदम बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, देख के बड़ा तड़प उठती है। कोरोना काल में आप देखा कैसे लोग मर रहे थे, आदमी की लाश को कितने सम्मान के साथ फूल माला पर लाद करके आदमी शमशान घाट या गंगा किनारे ले जाके फेंकता था, लोगों के साथ हुजूम चलता था। लेकिन कोरोना काल में, माना कि कोरोना काल आपदा है, विपत है, भूकंप है, तूफान है, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी क्या है? एक बार कोरोना काल आया, उसमें ही उन सबक नहीं सीखा, ताली और थाली बजवाया, जिस तरह से लोग जो है विदेश प्रदेश से जो है अपने देश लौट रहे थे वतन को, बिहार यूपी के लोग जो है रेलवे लाइन में जिसे कट के मर रहे थे, नदी तालाब से, मोटरसाइकिल से, पैदल गाड़ी से, सीमेंट की गाड़ी से, मैं कैसे टैंक के अंदर घुस के कैसे लोग आ रहे थे, ऐसा तो हम लोग जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारा में ये समय हम लोग नहीं देखे थे। अपने उम्र में इतना विपत, इतना आफत हमने कभी नहीं देखा। जिस राजा के राज में जो है अकाल पड़े, सूखा पड़े, बेमौसम की बरसात हो, भूकंप हो, तूफान हो, कहीं पूर्वी से, कहीं पश्चिमी से, कहीं देख रहे आप देख रहे हैं उत्तराखंड में कितना हिमालय गिर रहा, अभी केरला में देखे कितना लोग मर जा रहे हैं, नक्सली मारते रहे, जवान को मारते रहे नक्सली, आप देखें 40-40, 50-50 जवान मारते रहे, ये लोग जो है बंगाल में कुल प्रचार करते रहे, न देश से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न कर्म से मतलब है, केवल ये लोग जो है दो गुजराती गृहमंत्री प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं, ये दो गुजराती देश को बेच रहे हैं, दो ही गुजराती देश खरीद रहे हैं, वो कौन है? अंबानी और अंडानी है। तो 2022 नहीं भाई साहब, 2027 के बाद भी इनका आना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने जो सपना देखा था कि मोदी आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश हमारा गुजरात हो जाएगा, यहाँ की जो कंपनी थी इलाहाबाद की सब तो बंद हो गई है, एक कंपनी चलती थी यहाँ, 10,000 मजदूर काम करते थे, जनरल इलेक्ट्रिक मोटर GEC कंपनी, नैनी बहुत बड़ी कंपनी थी, उसको भी गुजरात उठा के लेके चले गए। तो इनसे क्या आशा उम्मीद करा जाए? पत्थरों के आगे रोना है, अपना दीदा खोना है, इनसे कोई मतलब है नहीं। और हम लोगों का तो इलाहाबाद में जितने कार्यालय थे आप देख लीजिए, AG ऑफिस से लेकर के, शिक्षा बोर्ड से लेकर के, PHQ से लेकर के, जितना थे सब उठा के लखनऊ ले चले गए। इलाहाबाद की पहचान जो है मिटाना चाहते हैं, गंगा जमुना सरस्वती जो हिंदू मुस्लिम का तहजीब था, इनके राज में तो इसका सपना एकदम बेकार हो गया। जो हमारे देश के लोग जो है सपना देखे थे, हमारे भगत सिंह जो है, चंद्रशेखर आजाद जो शहीद हुए थे, वो जानते कि अगर हमारे देश में हमारे शहीद हो जाने के बाद में मोदी और अमित शाह जैसे लोग आके देश चलाएंगे, वो कभी शहीद न होते। उनका सपना था कि हमारा, हम लोगों का सपना है, उनका सपना था कि देश हमारा, हम लोग कुर्बानी दे रहे हैं देश के लिए, महात्मा गांधी ने देश से लेकर विदेश तक जैसे आंदोलन किया। अब इनके राज में कोई आंदोलन करता है, लोकतंत्र में विरोध लोगों का अधिकार होता है, विरोध इनकी बात लोग करते हैं तो मुकदमा लगा के जेल भेज देते हैं। तो जनता इस समय अखिलेश यादव को देख रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी और योगी बहुत झूठ, बहुत फरेब, बहुत 420 लोग हैं, इनके कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। ये उत्तराखंडी बड़े पाखंडी, बाल छिलवा के एक राजा भर्तरी योगी थे नाथ संप्रदाय के, वो अपना राजपाट छोड़ करके चले आए, इन्हीं के थे जो योगी के नाथ संप्रदाय हैं गोरखपुर में, उन्हीं संप्रदाय में चले आए पूजा पाठ करने। ये पता नहीं कैसे जोंगी है कि ढोंगी है, ये जो है अपना धर्म कर्म छोड़ के आ गए यहाँ पर, करें इनको ठोंक दो, इनका मकान गिरा दो, इनका वो गिरा दो, उनका वो गिरा दो। जब से बंदरों के हाथ लग गई है कटारे, तो हादसों के दौर बढ़ गए इस प्रदेश में। जब से गंदी मानसिकता के लोग बन गए गृहमंत्री प्रधानमंत्री, तो CR भी घूमने लगे सिंह शायर के भेष में। अब आप देख लें इसमें पोजिशन क्या है, जो आदमी तड़ी पार था वो आज गृहमंत्री बना हुआ है देश का। देखिए सोचिए, एक ममता बनर्जी के खिलाफ में पूरा भारत देश के इनके लोग लगे थे हराने के लिए चुनाव। अभी आपके सामने चुनाव बीता बंगाल का, उसमें क्या पोजिशन थी? पूरे मुख्यमंत्री, डिप्टी CM से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृहमंत्री, और कितने राज्यपाल, कितने कितने लोग लगे थे, लेकिन क्या कर लिए उसका? कुछ कर लिए तो ठीक, उससे भी बड़ा खेला यहाँ होने वाला 2022 में। इनके इनका इनका जो हिंदू मुस्लिम का जो ये लड़ाव करके चुनाव जीतते हैं, ये मंदिर मस्जिद में जो करके व्यवस्था, मंदिर मस्जिद को, ये धार्मिक चीज़ है, इसको चुनाव में नहीं लाना चाहिए।
न मस्जिद को न मंदिर में, ये पूजा की चीज़ है, धर्म की चीज़ है, ये आस्था की चीज़ है, लोगों से दिल से जुड़ी हुई चीज़ है, ये उसके नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन जनता इनकी झूठ फरेब 420 को जान चुकी है, जनता इनके भड़काव में अब नहीं आएगी। अंधे की लाठी एक बार खो जाती दोबारा इतना तेज पकड़ के रखता है कि दोबारा कोई छीन नहीं पाएगा, तो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो है इतना मजबूत है।